एक बार फिर स्वागत है सीएस विद पाइथन हिंदी में। अभी हम करेंगे एक परिचय डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा संरचनाओं के बारे में। इससे आपकी एक भूमिका बन जाएगी जो अगले चार चैप्टर्स में आपके काम आएगी। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन में। दो तरह के हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन वो है जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी में उसके फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनको हम यूज करके इन डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं या इनके ऊपर कोई फंक्शंस लगाते हैं। यूजर डिफाइंड होते हैं जो हम स्वयं उनको बनाते हैं और उनको बनाने की अनुमति होती है और उनमें हमारा पूर्ण नियंत्रण भी है। तो बिल्ट इन जो है वो है स्ट्रिंग लिस्ट ट्यूपल्स और डिक्शनरीज, और ये हम करेंगे अभी। बहुत बाद में हम करेंगे स्टैक्स और क्यूज। स्टैक्स और क्यूज भी लिस्ट्स की तरह ही होते हैं, पर उनमें हमने एक डेफिनेशन दे दी कि सब कुछ। फॉर एग्जांपल स्टैक्स में अगर हमने कुछ इनपुट करना है तो वो फर्स्ट प्लेस पे जाएगा, अगर कुछ उसमें से निकालना है या डिलीट करना है वो भी फर्स्ट प्लेस में से जाएगा। क्यूज में हम लास्ट में इनपुट कर सकते हैं और फर्स्ट प्लेस से डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम डेफिनेशंस दे सकते हैं और इनको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब एक और तरह की श्रेणीकरण हम देखते हैं, वो है सीक्वेंसेस और कलेक्शन। सीक्वेंसेस जैसे अनुक्रम और कलेक्शंस होता है एक संग्रह। तो जो अनुक्रम है या सीक्वेंसेस हैं उसमें है स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल्स और बाइटरेज। बाइटरेज हम यूज करेंगे पर चैप्टर नहीं है उसपे। स्ट्रिंग्स, लिस्ट और ट्यूपल्स के हम चैप्टर्स करेंगे। तो स्ट्रिंग, ऐसे आपको बताया था पहले भी कि आप कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं, उसको मूल्य देते हैं, वो स्ट्रिंग बन जाता है। जो भी स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स या नंबर भी हो सकते हैं, उन सब का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस को हम इंडेक्स कहते हैं। तो अगर हमें बोलना है कि तीसरी जगह पे क्या है, तो एक्चुअली वो उसका इंडेक्स 2 है। तो स्टार्ट क्योंकि 0 से हो रहा है तो एच का इंडेक्स 0 है, ई का 1 है, एल का 2 है, ऐसे करते करते लास्ट में 11 है। और रिवर्स इंडेक्स -1 से इसलिए शुरू है क्योंकि 0 ऑलरेडी है, तो फिर वो कंफ्यूजन ना हो उसलिए हम शुरू करते हैं -1 से। सो -1 to -12, तो एच की इंडेक्स 0 भी है और एच का इंडेक्स -12 भी है। ऐसे ही लिस्ट है जिसमें आइटम वाइज हम कुछ डाल सकते हैं, नंबर, दशमलव वाले कोई पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक, दशमलव वाले अंक, कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं ऐसे। और लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो जब हम लिस्ट वाला चैप्टर करेंगे तो हम इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। पर लिस्ट का हर एक आइटम को हम ऐसे ही एड्रेस दे सकते हैं, 0, 1, 2, up to whatever द लास्ट वन, और -1 से -5। तो इसको हम बाद में चैप्टर में भी एक बार देखेंगे, पर अभी आपको थोड़ा सा आपका परिचय कराने के लिए ये देख रहे हैं। ऐसे ही डिक्शनरी है जिसमें कीज है और उसकी वैल्यू होती है। तो की वैल्यू पेयर है, एक जोड़ी बन जाती है। तो जो डिक्शनरी है उसमें इंडेक्स नहीं है, जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग में आपको इंडेक्स दिखाते हैं वैसे इसमें इंडेक्स नहीं होते हैं। तो आप अगर 101 कहेंगे तो उसको वो वैल्यू बता देगा कि क्या है। तो इन दोनों में, इन लिस्ट, ट्यूपल्स और स्ट्रिंग्स में सब में अनुक्रम या सीक्वेंस है, और डिक्शनरीज में उसको कलेक्शन इसलिए कहते हैं कि वो मैप की जाती है और पर उसमें कोई सीक्वेंस या ऐसा कोई इंडेक्स, ऐसे कोई क्रम नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इन सब पे हम कुछ सामान्य ऑपरेशन लगा सकते हैं।
उसको कुछ कर सकते हैं और उनमें जैसे आप लेंथ ढूंढ सकते हो, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो जैसे हेलो वर्ल्ड की लेंथ है 12, क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ है तो 0 टू 11 है, तो हमने एक्सक्लेमेशन को भी काउंट करना है, स्पेस को भी काउंट करना है, तो इसकी लेंथ 12। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम मिनिमम जैसा निकाल सकते हैं लिस्ट के अंदर, किस आइटम की अगर वो नंबर है तो कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये सब में कॉमन जैसे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होंगे, ऐसे ही हमारे पास कुछ विशेष ऑपरेशंस होंगे या मेथड्स होंगे, उनको फंक्शंस की तरह, जैसे हमने पहले फंक्शंस देखे थे, जैसे कि लिस्ट में है अपेंड, पॉप, तो ये भी देखेंगे हम इनके बारे में और उनके उदाहरण भी देखेंगे। और जो लिस्ट है उसमें हम बदल सकते हैं क्योंकि ये परिवर्तनीय है, तो हम आइटम को, अगर आइटम 3 है तो इसकी जगह हम कोई और आइटम भी डाल सकते हैं और इसकी इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ हम स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। और अगर हम स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो एक नया स्ट्रिंग बनेगा, या फिर वो टेम्पररीली चेंज होगा पर एक्चुअल स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं समझाना चाहती थी इससे पहले कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स के चैप्टर्स पे जाएं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट अध्याय जो है स्ट्रिंग्स।